सबका स्वागत है करण गैस सर्विस चैनल में। दोस्तों हमारी वीडियो में इन भाई ने कमेंट किया था कि जब वो चूल्हा सही कर रहे थे तो चूल्हा सही करते वक्त दोस्तों उनसे ये वाला निप्पल जो होती है जो कि कॉक में लगी होती है वो दोस्तों ये टूट जाती है। दोस्तों वो इसलिए टूटती है, मैं आपको पहले एक बार दिखाता हूँ कहाँ पर लगी होती है। दोस्तों यहाँ पर इस कॉक में लगी होती है ऐसे करके। तो उन्होंने क्या करा होगा दोस्तों, इसको ज्यादा टाइट कसा होगा तो ये टूट गया होगा। तो दोस्तों इसको हम जब बदलते हैं, जब आपका चूल्हा कम जल रहा होता है या फिर दोस्तों आपके चूल्हा बर्तन काले करता है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिए। अगर आपका चूल्हा कम जल रहा हो तो उसे ठीक कर सकते हैं आसानी से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं और अपने चूल्हे को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपसे दोस्तों ये वाला पार्ट टूट गया है, ये वाला कसते वक्त, तो उसमें दोस्तों इसका जो आधा भाग है दोस्तों वो इसके अंदर रह जाता है। तो उसको दोस्तों कैसे निकाला है मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नया बाल देखिए, ये ऐसा बाल होता है। तो इसका दोस्तों जो आधा भाग होता है वो इसके अंदर, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए ये वाला बाल होता है। तो इसका दोस्तों आधा भाग ना इसके अंदर रह जाता है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अंदर कैसा है। एक बार जूम कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए, तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला, दोस्तों देख सकते हैं ये अंदर टूट गया है अंदर, जो कि इसका दोस्तों आधा भाग है इसका दोस्तों, ये दोस्तों ये टूट गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको निकालते वक्त दोस्तों आपको ध्यान रखनी होगी कुछ चीजें। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती चूल्हे में दोस्तों मैं आप सबके लिए हर एक तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस चीज को निकालने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके घर में एक कैंची होनी चाहिए, ये देख सकते हैं ये कैंची है। तो इस चीज से दोस्तों हम इस जो ये जो टूटा हुआ बाल है, टुकड़ा हुआ ये जो टूट गया है बाल, इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से जूम करके एक थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि दिख जाए। तो देख सकते हैं ये जो बाल है, अब हम इसको निकालेंगे इस कैंची की मदद से। तो इसको दोस्तों निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कैंची की दोस्तों नुकीली चीज को हमें ऐसे करके फंसाना होता है, ऐसे देख सकते हैं ऐसे। और फिर आपको क्या करना है, आपको उसे जोर से दबा के, जोर से अंदर की तरफ प्रेस करके, ऐसे कि मैं दूसरे हाथ से पकड़ के आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको, एक बार एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं ये दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इसको जोर से पकड़ के यहां से इसको दोस्तों आपको क्या करना है, इसको जोर से दबा के आपको सीधे हाथ की तरफ घुमाना है, जिस तरफ से आप कसते हो, जिस तरफ से आप खोलते हो उस तरफ घुमाना है इस कैंची को। तो ये हल्के हल्के काम होगा दोस्तों, लेकिन आप ध्यान रखें इसको दबा के खुलेगा ये। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं एक मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। दोस्तों ये धीरे धीरे खुली है, थोड़ा बाहर आ चुका है। ये देखिए थोड़ी सी बाहर आ गई है इसमें से, अब इसको ऐसे खोलना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना अंदर की तरफ ज्यादा जोर लगा के ही इसको खोलना होगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए खुल रहा है ये, अब ये खुलने लग गया दोस्तों, ये हल्के हल्के बाहर आने लग गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हल्के बाहर आ गया है, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये हल्के हल्के बाहर आ गया है। तो ये देख सकते हैं इसका जो आधा हिस्सा था ये इसके अंदर ही टूट गया है, तो वो हम निकल गया है आधा। उसको ऐसे लगातार कोशिश करते हैं निकालने के लिए। दोस्तों इसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा जब जाके ये जो बाल है ये निकलेगा। तो देख सकते हैं मैं, इसको थोड़ा सा सावधानी से, देखिए
इनका था है। देख सकते हो दोस्तों ज़्यादा निकल चुका है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ज़्यादा निकल चुका है आधा। अब इसको पूरा निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद दोस्तों ये निकल रहा है। अभी दोस्तों निकल रहा, बहुत ज्यादा टाइट है ये, इसको तो ये देख सकते हैं दोस्तों आखिरकार ये निकल ही गया, बहुत मेहनत के बाद दोस्तों ये निकल गया है। ये देखिए ये इतनी सी चीज दोस्तों बहुत मेहनत लगने के बाद निकली है। एक बार जूम करके मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये इसका टुकड़ा है जो कि इसके अंदर कॉक के अंदर दोस्तों फंस गया था, इसके अंदर तो जो कि इसके अंदर फंस गया था। तो अभी कर मैंने निकाल दिया इसको, ये देख सकते हैं। अगर आपका भी दोस्तों कसते वक्त या चूल्हा ठीक करते वक्त ये टूट जाता है और इसका जो आधा हिस्सा इसके अंदर रह जाता है, तो कुछ इसी तरीके से आप इस कैची कैची की मदद से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा जोर लगा के अंदर की तरफ दबा के तब जाके ये निकलता है दोस्तों, और जिस तरह से आप खोलते हो उस तरफ से घुमा के तब जाके दोस्तों ये निकल पाता है। और बहुत तो बहुत टाइम लग गया इसको निकालते निकालते। अगर आपसे दोस्तों ये नहीं निकलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपसे ये भी नहीं निकलता है तो आपको दोस्तों ये देख सकते हैं यानी जो कॉक है, ये जो चूल्हे की कॉक है दोस्तों, ये आपको बदलवानी पड़ेगी या फिर इसको बदलनी पड़ेगी दोस्तों। इसको अगर आपको बदलना नहीं आता है, अगर आप इसको घर में बैठ के ही बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसकी वीडियो में आपको इसलिए ला दूंगा दोस्तों। इसको बदलने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों ये चीज़ लानी पड़ेगी जो कि मार्केट में दोस्तों 100 रुपये की मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये पीतल की होती है इसलिए महंगी मिलती है। तो इसको आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये बाहर अगर आप लगवाते हो तो 150 रुपये लग जाएंगे। तो अगर आपको ये बदलना है तो एक कमेंट में बता दीजिए, जिससे कि मैं आपको बता दूँ कि इसको कैसे बदलना है। तो अब मैं इसको दोस्तों ये नए वाले बाल को लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस बाल को दोस्तों कैसे लगाएं। सबसे पहले दोस्तों आप इसको अपने हाथ से ही कसें, कुछ इस तरह से हाथ से ही कसें। अब ये देखिए कस दिया है, उसको क्या करेंगे, हल्का सा हल्का हल्का दोस्तों, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का हल्का दोस्तों इसको कसना है। ज़्यादा जोर लगाओगे दोस्तों ये टूट जाएगा, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ। इसको हल्का सा दोस्तों, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है ऐसे करके, ज़्यादा जितना कस रहा है दोस्तों उतना ही रहने दें और हल्का रखना, जिससे कि अगर आप ज़्यादा जोर लगाओगे और ज़्यादा कसोगे तो ये टूट जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों ये टूट जाता है तब आप जोर लगाते हो। तो देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए थोड़ी बहुत भी ज़रूरत लगी तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें अपने पड़ोसी के साथ, ताकि वो भी इस तरीके से अपने चूल्हे को ठीक कर सकें और अपने वो दोस्तों पैसे बचा सकें। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।